हे दोस्तों, दिस इज़ मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं, कान खोलकर मेरी बात सुनो, कान खोलकर सुनो जो मैं कह रहा हूँ। तुम्हें कान खोलकर सुनने की ज़रूरत है। तुम लोगों को कान खोलकर सुनना चाहिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है? स्ट्रक्चर आपका अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्ले फ्रेज को देखते हैं। कान खोलकर सुनना, इसके लिए हम लोग इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं लिसन अप का। लिसन अप का मतलब होता है कान खोलकर सुनना, मतलब बहुत ही गौर से ध्यानपूर्वक सुनना। इसके लिए बोलते हैं कान खोलकर सुनना हम लोग अपने लैंग्वेज में। अब इसके सेंटेंसेस को देखते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, कान खोलकर सुनो, इसके लिए बोलेंगे लिसन अप। लिसन अप। यदि आपको सेंटेंस ऐसे बोलना हो, कान खोलकर मेरी बातों को सुनो, इसके लिए आप कहिएगा लिसन अप माई वर्ड्स। लिसन अप माई वर्ड्स। नेक्स्ट सेंटेंस, कान खोलकर सुनो जो मैं कह रहा हूँ, इसके लिए बोलेंगे लिसन अप व्हाट आई एम सेइंग। लिसन अप व्हाट आई एम सेइंग। यहाँ पर सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो व्हाट के बाद एम नहीं आएगा, नहीं तो वो क्वेश्चन बन जाएगा ना, इसलिए आई के बाद एम आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें कान खोलकर सुनने की ज़रूरत है, इसके लिए बोलेंगे यू नीड टू लिसन अप। यू नीड टू लिसन अप। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम लोगों को कान खोलकर सुनना चाहिए, इसके लिए आप कहिएगा यू शुड लिसन अप। यू शुड लिसन अप। नेक्स्ट सेंटेंस, कान खोलकर सुनो जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसके लिए बोलेंगे लिसन अप व्हाट आई एम गोना टेल यू। लिसन अप व्हाट आई एम गोना टेल यू। हे गाइज, इससे जुड़े मैं आपको एक संदेश दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। गाइज, आपको वीडियो कैसी लगी? तो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को हिट कर ले, ताकि मेरा रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो।